नमस्ते एवरीवन, आज अपन बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा प्राणी विविधता कशेरुक एवं उद्विकास, यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी वर्टिब्रेटा एंड इवोल्यूशन। तो इस पेपर के अंदर अपन यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे साइक्लोस्टोमेटा एंड पीसीज। तो देखते अपन क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा का। तो देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन। तो फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया कपाल की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, एक क्रेनिएटा व क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा का दूसरा नाम होगा प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें कपाल अनुपस्थित होता है। क्रेनिएटा यानी इसमें कपाल उपस्थित होगा। जो प्रोटोकॉर्डेटा है या एक क्रेनिएटा है, इसको दो भागों में बांटा, यूरोकॉर्डेटा व सिपेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को तीन क्लास में डिवाइड किया गया, एसीडीएसी, थैलेशिएसी, लार्वेसी, और सिपेलोकॉर्डेटा को एम्पियोक्सस यानी कि लेंसलेट। इधर बात करें अपन क्रेनिएटा को, सब फाइलम में बांटा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया, एग्नेता व ग्नेटोस्टोमेटा। एग्नेता मतलब जबड़े एब्सेंट, ग्नेता जबड़े प्रेजेंट। एग्नेता को दो क्लास में डिवाइड किया गया, ओस्टेरोकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा को दो ऑर्डर्स में बांटा, पेट्रोमाइजोंटिया, इसका एग्जाम्पल होगा पेट्रोमाइजोन, मिक्सिनोइडिया, इसका एग्जाम्पल होगा मिक्सिन या हैंगफिश। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं। ग्नेटोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, पीसिस और टेट्रापोडा। पीसिस को दो क्लास में बांटा, ओस्टिकटीच, इसमें जो इन ओस्टिकटीच जो पीसिस होगी इनका एंडोस्केलेटल बोन से निर्मित होगा, और कॉन्डक्टीच जो पीसिस होगी इनका एंडोस्केलेटल कार्टिलेज से निर्मित होगा, यानी कि एंडोस्केलेटल यानी कि अंतः कंकाल अस्थियों का बना होगा, और कॉन्डक्टीच में अंतः कंकाल उपास्थि का बना हुआ होगा। टेट्रापोडा के अंदर चार वर्ग को रखा गया है, एम्फीबिया, एविज, रेप्टिलिया, मेमेलिया। तो देखते अपन कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं। नोटोकॉर्ड से मतलब हुआ कशेरुक दंड से। इनमें पूंछ या टेल उपस्थित होती हैं। इनमें गिल क्लेप्स एंड गिल दरारें पाई जाती हैं। गिल दरारें जो होगी वो श्वसन में सहायता करती हैं। इनमें डोर्सल नर्व कॉर्ड यानी पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, यानी कि जो रक्त होगा वो रक्तवाहिनियों में बहता है। एकृत निवायिका तंत्र पाया जाता है। एकृत निवायिका जो तंत्र होगा, इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो उसमें एकृत के अंदर रक्त आकर इकट्ठा होगा और एकृत से फिर हृदय के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को एकृत निवायिका तंत्र कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो संकोडेटा को कपाल की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर दो संघों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट एक्रेनिएटा, इस समूह के सदस्यों में कपाल अनुपस्थित होगा। इसके अधिकांश जंतु विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि अब क्रेनिएटा के जो जंतु होंगे, क्रेनिएटा ग्रुप के वो जंतु देखने को नहीं मिलते हैं। इस एक्रेनिएटा यानी प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा तथा सिपेलोकॉर्डेटा को सम्मिलित किया गया है। तो इसके बाद सेकंड देखेंगे अपन क्रेनिएटा, सेकंड ग्रुप जो होगा, इस समूह के अंतर्गत उन जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें क्रेनियम या कपाल
उपस्थित होता है। इस क्रेनेटा समूह में एक सबफाइलम पाया जाता है जिसे वर्टिब्रेटा कहा जाता है। अपन इसमें सबफाइलम वर्टिब्रेटा। इस उपसंघ के सदस्यों में कशेरुक दंड पाई जाती हैं जो जंतु को आधार प्रदान करती हैं। इनमें सिरोबोवन स्पष्ट होता है। सिरोबोवन का मतलब होता है जो शरीर होगा दो भागों में बटा हुआ होगा, अग्र में तो होगा सिर और पश्चिम में पूंछ। ओडेटा में सिरे पर तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंगों का संकेंद्रण होता है। क्रिया को अपन सिरोबोवन कहते हैं। कोडेटा में सिर में लगातार आकार में वृद्धि एवं विशेषीकरण होता है। फाइलम वर्टिब्रेटा को जबड़ों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर दो डिवीजन में विभक्त किया जाता है। डिवीजन स्पष्ट देखेंगे अपन एगनेता, जिनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी इसके जो सदस्य हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। दूसरी क्लास देखेंगे अपन साइक्लोस्टोमेटा, इसके सभी सदस्य समुद्री होते हैं, यानी कि सभी समुद्र के अंदर देखने को मिलेंगे। इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र से मतलब है यहाँ पर जैसे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक मिलकर अंग और अंग मिलकर तंत्र, तो अंग तंत्र प्रकार का इनमें शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। किसी एक निश्चित अक्ष से काटने पर दो बराबर भाग प्राप्त होते हैं। इनमें मुख गोल व चूसक प्रकार का होता है, इसी कारण से साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है, यानी कि इनका मुख गोल होगा। तो मुख गोल होने की वजह से इस वर्ग के जंतुओं को साइक्लोस्टोमेटा प्राणी कहा जाता है। इनमें एंटेरोसिलोम पाई जाती हैं। इनमें 8-10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इनकी आहार नाल में स्टोमक अनुपस्थित होता है। इनकी आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती हैं। इनमें 6-15 जोड़ी गिल क्लेप्स या गिल दरारें पाई जाती हैं। गिल दरारें जो होगी गिल्स जो श्वसन में सहायता करते हैं। इनका हृदय द्विकोष्ठीय होता है साइक्लोस्टोमेटा प्राणियों का, जिनमें एक आलिंद व एक निलय होगा। इनमें मुख्य रूप से बाह्य निश्चन पाया जाता है। बाह्य निश्चन का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणुओं को बाहर जल में ही निष्कासित कर दिया जाता है और बाहर जल में ही निश्चन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके सदस्य एकलिंगी या द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। इनका अंतक अंकाल बोन से अस्थियों से मिलकर बना हुआ होगा। इनमें टेल यानी पूंछ उपस्थित होती हैं। ये मछलियों के समान दिखाई देते हैं। इनके अंतकण में एक या दो कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा को दो गणों में विभक्त किया गया है। तो दो गण हैं स्पष्ट देखेंगे अपन, पेट्रोमाइजोंटिया, सेकंड होगा मिक्सिनोइडिया। फर्स्ट ऑर्डर्स को पढ़ेंगे अपन पेट्रोमाइजोंटिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।